हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य जीके और इंडिया के सामान्य जीके जो सी जी पी एस सी और व्यापम में पीरियड से जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं कि आगामी एग्जाम की दृष्टि से किस प्रकार से हमें बेनिफिट प्राप्त हो सकता है कई क्वेश्चन सेम टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं उसका भी हम एनालिसिस करेंगे तो इस वीडियो को प्लीज़ आप अंत तक देखिएगा तभी आपको बेनिफिट प्राप्त होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा इसी प्रकार से मनोबल आप लोग की तरफ से बना रहे और हम इसी प्रकार के नए नए वीडियो आप सभी के लिए बनाकर लाते रहें इससे पहले हमने पंद्रह वीडियो अपलोड किया है जिसमें सी छत्तीसगढ़ और इंडिया जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों हैं जिन्होंने की संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं या आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन को हमने समावेश किया है जो प्रीवियर सीरियस में पूछा गया है उन सभी क्वेश्चनों को भी आप एनालिसिस साथ में हम करते रहते हैं तो इसी सेशन में हम बात करेंगे पहला हमारा क्वेश्चन जो है सी जी पी में पूछा गया था कि किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन की स्थापना किया था तो इसका राइट आंसर लिया गया है इनमें से कोई नहीं आप लोग थोड़ा सा ऐसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन की स्थापना किया था हमें कमेंट कर कर बताएंगे चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है आपको बताना है कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है पिछले वर्ष या बोल सकते हैं कि 2021 में ही फरवरी में जो भी एग्जाम लिया गया था सीजीपीएससी सी का उसमें पूछा गया था कि हरित गृह प्रभाव में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है और उसके क्रम के अनुसार आपको बताना है तो इस प्रकार से कई चीज़ें आपको देखने को मिलता है तो इसी प्रकार के श्रेणी में इसमें बताना है कि कौन सा हरित गृह गैस नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस ओ टू यानी कि सल्फर जो ऑक्साइड है वो हरित गृह गैस के अंतर्गत नहीं आता है जबकि मेथेन हो गया क्लोरो फ्लोरो कार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैस कहे जाती हैं जिसका हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं और पर्यावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं और इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रक्सऑक्साइड मिथेन क्लोरो फ्लोरो वाष्प तथा ओजन आदि प्रमुख रूप से होता है इस प्रकार से कभी कभी इसके मात्रात्मक दृष्टि से भी पूछ लिया जाता है ओजन परत को भी पूछ लिया जाता है कई बार पूछा गया है इन सभी टॉपिक को आप निश्चित रूप से अच्छे से पढ़ेंगे चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ से कि 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 सौ माल का सम्मेलन हुआ इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहेब दानी ने की थी सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों का विचार विमर्श हुआ था तो सीजीपीएससी द्वारा इसका राइट आंसर लिया गया था केवल वन इसमें सही है कि 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग तीन मालगुजारों का सम्मेलन हुआ था चूंकि इसका राइट आंसर ही नंबर होगा केवल एक इसमें सही है चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हर एग्ज़ाम में जनजातीय विद्रोह और नेता से क्वेश्चन पूछा ही जाता है उसी प्रकार से इस एग्जाम में भी पूछा गया था आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है यानी आपको छाँटना है कि कौन सी जोड़ी इसमें क्या है सुमिलित बताना है जैसा कि हम लोग आप लोग पढ़े होंगे तो मैं थोड़ा सा इसे डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो याद कर पा रहे होंगे कि प्रमुख जनजाति विद्रोह में सबसे सब पहले जो जनजाति विद्रोह हुआ था वह सत्रह में हुआ था जिनमें हल्बा जनजाति के द्वारा हुआ था जिसके नेतृत्वकर्ता अजमेर सिंह थे नेक्स्ट जो था 1825 में हुआ था जिनके विद्रोहकर्ता थे गेंद सिंह और यह कहाँ पर परल में हुआ था इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं फिर 1842 में मेरिया विद्रोह हुआ जिसके नेतृत्वकर्ता जो थे जिसके नेता थे हिडमा मांझी 1842 में ही तारापुर का एक विद्रोह हुआ था जिसके नेता थे दलगंजन सिंह उसके बाद 1856 में लिंगागिरी का विद्रोह हुआ जिसमें धुरवा राम माडिया नेता थे और अठारह में फिर कोई विद्रोह होता है जिसके नागुल दुर्ला नेता थे और अठारह में मुडिया विद्रोह हुआ जिससे झाड़ा सिराहा के नेतृत्व में किया गया था और 1910 में भूमकाल का विद्रोह हुआ था जो गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि केवल इसमें मुरिया विद्रोह अठारह यानी कि केवल डी ऑप्शन ही सही है इस प्रकार से हम इसे डी ऑप्शन जो लिया गया है राइट आंसर लिया गया है व्यापक द्वारा और सी द्वारा तो हर एग्जाम में इस प्रकार से जनजाति से एक युद्ध के बारे में आपको पूछा जाता है सभी को अच्छे से याद करेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुटुंब सर्गुफाओं का अन्वेषण किया गया था किनके द्वारा किया गया था तो इसका हम लोग बात करते हैं कुटुम्बसर गुफा कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है ठीक है इसकी खोज डॉक्टर शंकर तिवारी ने उन्नीस में किया था इसका निर्माण जल द्वारा हुआ है यहाँ चूने से बने क्या होता है स्टेलिक माइट तथा स्टेलिकवाइट पाए जाते हैं यह भारत की सबसे बड़े तथा विश्व की सातवें गुफा के रूप में जाना जाता है तो इसका राइट आंसर यह नंबर होगा यानी प्रोफेसर शंकर तिवारी के द्वारा ही कुटुंब श्र गुफाओं का खोज किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के निर्देशक कौन थे इसके बारे में आपको बताना है सभी लोग जानते होंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत है तो सभी टॉपिक को आप कवर करेंगे तभी जाकर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोनायक जिसे हम प्रथम जो है छत्तीसगढ़ का फिल्म भी कह सकते हैं इस प्रकार से मनोनायक जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म था चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरज धारा योजना यह योजना से संबंधित क्वेश्चन है जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें योजना से एक आपको देखने को मिलता है तो इस प्रकार की चीज़ों को भी आप अच्छे से याद करते चलेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज अदला बदली कई बार सी जी पी भी इस प्रकार के जो भी योजना वर्तमान समय में संचालित हो रही है उसका हमने वीडियो बनाया है करेंट अफेयर्स के सेशन में आप उसको प्ले में जाकर बिल्कुल देखिए आपको जरूर उसमें बेनिफिट प्राप्त होगा इसी प्रकार के नए नए वीडियो भी हमने प्ले के द्वारा आपको दे रहे हैं उसे भी आप बनाएंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एटासिड क्या है एटासिड इसमें देखिए भस्म है कि अम्ल है कि लवण है और बफर है एटासिड मतलब अम्ल से समझ सकते हैं थोड़ा सा आप लोग अगर दिमाग लगा पाएं तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जो इसमें एटासिड है वो भस्म होता है ठीक है एटासिड क्या है भस्म इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगी ए नंबर एटासिड क्या है भस्म है नेक्स्ट है संचारण के उदाहरण बताइए संचारण को आपने पढ़ा होगा यह साइंस का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि संचारण के उदाहरण बताइए जिसमें इसमें पहला ऑप्शन है सिल्वर पर काले रंग का परत बनना तांबे पर हरे रंग की परत बनना लोहे पर भूरे रंग की परत बनना उपरोक्त तीनों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों जो कि व्यापम द्वारा इसे आंसर में लिया गया है कि संचारण की जो प्रक्रिया होता है इससे आसपास के जितने टॉपिक हैं उसे आप अच्छे से पढ़ें ताकि साइंस के क्षेत्र में भी हमने कई वीडियो बनाए हैं उसे भी प्लेट में जाकर आप देख सकते हैं सिल्वर पर जब काले रंग की परत सिल्वर में चांदी आप लोग देखते होंगे वैसे भी हम क्या कहते हैं संसारण है तांबे पर हरे रंग की परत है उसमें भी वही चीज है और लोहे पर भूरे रंग की परत भी आ जाता है ये सभी संक्षारण जैसे जंग जंग कह सकते हैं जंग लगना लोहे में जंग लगना जैसे भूरे रंग की परत होता है तो संसारण का मतलब क्या होता है जंग लगना ही होता है इसका राइट आंसर उपरोक्त में से तीनों होगा मायोपिया जिसे हम लिखित दृष्टिदोष को ठीक किया जाता है मायोपिया जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं उसको ठीक करने में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है या दर्पण का प्रयोग किया जाता है चार ऑप्शन पांच ऑप्शन आपके पास है अवतल लेंस ठीक है अवतल दर्पण उत्तल लेंस या अवतल दर्पण इस प्रकार से आप इसका राइट आंसर आप लगेंगे अवतल लेंस अवतल लेंस के द्वारा ही निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष का मतलब यह होता है कि निकट की जो वस्तु है वह स्पष्ट रूप से दिखता है लेकिन जो दूर की वस्तु है वह स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं निकट दृष्टि मतलब क्या होता है निकट की वस्तु दिख रहा है लेकिन दूर की वस्तु ये नहीं दिख रहा है निकट दृष्टि दोष है और दूर की वस्तु देखती है दिखाई देता है तो उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं निकट की वस्तु उसमें दिखाई नहीं देता है और दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जबकि निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल अवतल लेंस का प्रयोग होता है इस प्रकार से कभी कभी एग्जाम में साइंस भी पूछ ले जाते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दो जो वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है तो धारा जीरो पॉइंट फाइव ए है तो बल्ब की शक्ति क्या होगा तो इसका राइट आंसर जो लिया गया है सी जी पी एस सी द्वारा एक सौ दस मेगा एक सौ दस वाट होगा इसे याद रखेंगे एक सौ दस वाट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है खाद्य श्रृंखला का निर्माण यह पर्यावरण से क्वेश्चन लिया गया है सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है सभी एग्जाम की दृष्टि से यदि हम बात करें तो इस प्रकार के हर टॉपिक को थोड़ा ही पढ़े लेकिन उसे हर टॉपिक को कवर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए जैसे इसमें दिया गया है पाँच ऑप्शन आप लोग लगा लिए होंगे अपने दिमाग में इसका राइट आंसर हो जाएगा घास बकरी और आदमी जैसे कि घास को खाता है बकरा और बकरा को खाता है आदमी इस प्रकार से हम खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर पा रहे हैं जैसे कि भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान कौन सा था सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस प्रकार से संबंधित अब एग्जाम में थोड़ा सा प्रकृति चेंज हुआ है चूँकि यह प्रीवियस शेयरस का क्वेश्चन पेपर है तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो है इसका राइट आंसर तेजस होगा तेजस जो है वो भारतीय सेना का पहला लड़ाकू विमान के नाम से हम जानते हैं चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शक्ति बोल्ट का भी मैंने हमने बात कर लिया उसके बाद आता है खाद्य श्रृंखला का भी बात किया फिर भारतीय लड़ाकू विमान का नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फीफा द्वारा 13 जनवरी 2015 को प्लेयर ऑफ द ईयर्स घोषित किया गया था तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है जिसमें हम इसका राइट आंसर आप लगा रहे हैं यह पुरस्कार जो है 2016 का पुरस्कार क्रिस्टन जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया था जबकि दो का जो था लियोने लियोनेल मेसी को दिया गया था तो इस प्रकार से आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं कि फीफा द्वारा जो तेरह जनवरी दो हज़ार पंद्रह को जो प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया था वह लियो लियोन एमेसी को दिया गया था इस प्रकार के, के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसी प्रकार का भी क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो हैं उनके द्वारा महत्वपूर्ण रूप से सब सर्वाधिक गोल किए गए हैं या खेल से संबंधित जो भी नई चीज़ें आती हैं उन सभी चीज़ों को आपको टॉपिक को कवर करना चाहिए एक दो क्वेश्चन आपको वहाँ से डायरेक्टली देखने को मिलता है तो इन सभी चीज़ों को भी आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे थोड़ा सा मेहनत और करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार से बन जाएगा जैसे भारत की पहली सी ट्रेन तेरह जनवरी दो को कहाँ से कहाँ तक चला था तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि हो सकता है तो आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी रेल जो माल गाड़ी चली थी जिसे हम की के नाम समझाते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक चला था भिलाई से कोरबा कोरबा से भिलाई तक चला था कितनी उसकी लंबाई या कितनी उसकी कह सकते हैं कितनी बोगी उसमें जोड़े गए थे अब कितने तारीख को प्रारंभ किया गया था इससे हो सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जो सी ट्रेन था वो रेवाड़ी से रोहतक के बीच चला था इसका राइट आंसर ये नंबर होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2016 का हिंदी साहित्य में अकादमी पुरस्कार किसे मिला था हो सकता है यह क्वेश्चन जो है 2016 से करंट अफेयर से लिया गया है 2016 का जो हिंदी साहित्य में अकादमी पुरस्कार मिला था तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा हाँ नीलोत्पल ठीक है याद रखेंगे इसका राइट आंसर निरुत्पद इसमें नहीं दिया है इस प्रकार से हम ई नंबर इसको ऑप्शन लगाएंगे चूँकि इस प्रकार के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है करंट अफेयर्स वही पढ़ें जो इम्पोर्टेंट है मैं रेगुलरली या हफ्ते में करंट अफेयर्स का वीडियो लाता रहता हूँ जिसमें हम बात करते हैं पुरस्कारों के बारे में खेल के बारे में या कोई यूनिक चीज़ें हो रही हैं उन सभी चीज़ों को ही पढ़ना है आलतू फालतू की चीज़ें आप पढ़ें दो हज़ार सोलह का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था इसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी फिल्म के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो अवार्ड दिया गया है जो रजनीकांत जी को है दादा साहब फाल्के अवार्ड इस प्रकार से आपको निश्चित रूप से उसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहिए हमारे पद्मश्री से सम्मानित जितने भी छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण हैं या जो भी इंडिया लेवल पर या जो भी अभी महत्वपूर्ण जो मिले हुए हैं उन सभी चीज़ों को पुरस्कार में हमें याद करना चाहिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यह देखिए आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी लोग इसका आंसर दे पा रहे होंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ ही आसान प्रकृति के क्वेश्चन कहे जाते हैं जो कि संविधान से लिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा तो बंदी प्रतिक्षीकरण का यह मतलब होता है बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए यानी कि बंदी प्रतिक्षण यानी बंदी को क्या करो प्रत्यक्ष करो हमारे पास ले आओ इस प्रकार से हमेशा शरीर चाहिए परमादेश का मतलब यह होता है कि हम आदेश देते हैं और यह सभी मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेट जारी कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के साथ ही जो है उच्च जो है उच्च जो न्यायालय है इस प्रकार के निडिट जारी कर सकता है तो पहला हमने बात किया कि बंदी प्रतिक्षिकरण जो होता है हमें सशरीर चाहिए परमादेश में हम कहते हैं कि हम आदेश देते हैं प्रतिषेध में होता है कि अधीनस्थ न्यायालय को लेख कीजिए उत्प्रेषण में होता है पूर्णतया सूचित कीजिए अधिकार परीक्षा में किस अधिकार से किस प्रकार से आपने मिला लिया होगा इसका राइट आंसर आपको बता रहा हूँ जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर यानी कि इसका राइट आंसर सी नंबर होगा ठीक है इस प्रकार से आप लोग मिला लिए होंगे बंदी प्रतिक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर चाहिए परमादेश मतलब होता है हम आदेश देते हैं ठीक है प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालों को लेख होगा उत्प्रेषण का मतलब यह होगा किस अधिकार से और इसमें देखिए ठीक है किस अधिकार से उत्प्रेषण का मतलब किस अधिकार से और अधिकार परीक्षा का मतलब पूर्णतया सूचित कीजिए ठीक है इस प्रकार की चीज़ें आप अधिकार परीक्षा हैं तो इस प्रकार की चीज़ों को आप ठीक है अधिकार परीक्षा का किस अधिकार से होगा इसका मिला लीजिएगा ई का आपका टू हो जाएगा ई का टू हो जाएगा थोड़ा सा सिम करेक्शन करेंगे ई का टू होगा डी का वन हो जाएगा यानी कुत्प्रेषण का जो है पूर्णतः सूचित कीजिए ठीक है इसको एक बार और अच्छे से हम आपको बता दे रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है हमें जो है शरीर चाहिए यानी कि सशरीर उपस्थित कीजिए परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं प्रतिषेध का मतलब यह होता है कि प्रतिषेध जैसे कि रोकना होता है जैसे किसी भी न्यायालय के द्वारा उसे हम सूचित कर पा रहे हो तो इस प्रकार से इसका फाइफ हो जाएगा और उत्प्रेषण उत्प्रेषण का इसमें अर्थ है पूर्णतः सूचित कीजिए उत्प्रेषण यानी कि प्रेषण करना किसी भी चीज़ को सूचना देना प्रेषण का मतलब क्या होता है सूचना तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं अधिकार परीक्षा अधिकार किस अधिकार से इस प्रकार से परीक्षा मैंने पूछना तो इस प्रकार से आप रिलेट करेंगे हर एग्जाम में आपको देखने को लगभग मिल जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन या मेन्स में भी लिखने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने

एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बना चुके होंगे तो इसका राइट आंसर हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि प्रत्येक धन विधेयक एक बीत भीध विधेयक होता है यह कथन बिल्कुल क्या है सही है इसमें पूछा गया है कि सही क्या नहीं है तो ये सही कथन है दूसरा प्रत्येक बीत विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है यह भी कथन सही है तीसरा है बीत विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है यह भी कथन क्या है सही है बीत विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होने चाहिए यह भी कथन क्या है सही है इसमें देखिए राज्यसभा वित्त विधेयक को चौदह दिनों तक तो रोक सकती है तो इस प्रकार के कथन क्या है पाँचवा जो कथन इसमें है गलत है तो इस प्रकार का आप याद रखेंगे कि पांचवा जो इसका कथन है वह क्या है गलत है तो इसका राइट आंसर क्या होगा नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बीत विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार नहीं कर सकता है तो भी कथन क्या है सही नहीं है सही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है तो राज्यसभा जो है वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है थोड़ा सा इसमें संशोधन कर सकते हैं बट पूर्णतः उसे मानना या मानना उनके ऊपर निर्भर करता है तो संशोधित कर सकती है यह भी कथन क्या है सही है गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो यह भी कथन सही है वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है तो इसका देखिए इसमें सही क्या नहीं है तो पाँच और छः इसमें सही नहीं है आप लोग याद रखेंगे ठीक है इस प्रकार से चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था इसका राइट right आंसर हो जाएगा वीवी गिरी वी वी गिरी ऐसे जो एक राष्ट्रपति हैं जो कि उनके विरुद्ध जो उपस्थित हुए थे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोकसभा का कार्यकाल छः वर्ष का था इसका राइट आंसर हो जाएगा पाँचवीं जो लोकसभा का कार्यकाल था वह छः वर्ष का था बेकिंग सोडा क्या है बेकिंग सोडा मतलब होता है खाने का सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है तो कई बार एग्जाम में इस प्रकार के साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलता है साइंस का भी हमने प्ले बनाया है उसमें आप जाकर देख सकते हैं नेक्स्ट है मेघनाथ पर्व से संबंधित छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजातियाँ हैं तो मेघनाथ का जो पर्व है वो गौण जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा गौण जनजाति नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक है तो कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामढ़ी साहब हैं याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक चूड़ामढ़ साहब हैं कहाँ का मंडई सर्वाधिक प्रसिद्ध है तो नारायणपुर का मंडई जो मेला है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जो जनजाति है सबसे साक्षर जनजाति उराँव जनजाति को माना जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो उनकी समृद्ध रहा है उनका इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि सबसे साक्षर जनजाति उड़ाँव जनजाति को है मेघनाथ का पर्वत हमने बताया कि कौन जनजाति द्वारा होता है कबीर पंथ के जो थे उसे चूड़ामी साहब द्वारा किया गया था छत्तीसगढ़ में नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन के ओर नेक्स है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद वर्ष दो हजार बारह तेरह से दो हज़ार पंद्रह सोलह के बीच ये करंट अफेयर्स का है उस समय की दृष्टि से सिक्स पॉइंट थ्री फाइव परसेंट था एक करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो आर्थिक सर्वेक्षण से उसका भी वीडियो बना हुआ है प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है तो यह जो है सामान्यतः तो पूछा गया है निर्माण उद्योग को विनिर्माण के क्षेत्र में जो है शामिल नहीं किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति दिन बत्तीस रुपये उपभोग तथा तो शहरी क्षेत्र में सैंतालीस रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रति उपभोग व गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर सी रंगराजन समिति के द्वारा यह करंटेयर सॉरी करेंट नहीं यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और करंट में भी चलता रहता है इस प्रकार की चीज़ें भारत में एट कोट सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसायन को शामिल नहीं किया गया है एट कोर्ट सेक्टर है जो कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में किस सेक्टर में तैयार किया जाता है सभी लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर पावरलून में देश के सबसे अधिक सूती वस्त्र का निर्माण भी किया जाता है नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा विनिर्माण नीति एन एम पी का कब जारी किया गया था तो इसका राइट आंसर होगा चार नवंबर 2011 को इस प्रकार के इकोनॉमिक्स से भी चार पांच क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है तो इसका भी ध्यान आप लोग देखते चलेंगे तभी जाकर आपका एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा पकड़ हो सकता है सभी टॉपिक को गहराई के साथ नहीं पढ़ें और उसके साथ ही सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें ताकि आपका हर एग्ज़ाम में और सभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सके प्रकृति थोड़ा सा बदल रहा है थोड़ा सा उसे गहराई के साथ भी आपको पढ़ना पड़ेगा फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में और इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप एम के नॉलेज पर भी आप जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको अवेलेबल होगा पी डी एफ और उससे संबंधित कुछ भी सूचनाएँ जो होती हैं सबसे फास्ट रूप से आपको टेलीग्राम एम के नॉलेज पर मिलता है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और भी महत्वपूर्ण सूचनाएँ भी वहाँ पर आपको करंट अफेयर्यर्यर्यर्यर्यस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएँ होती हैं वो भी आपको दिया जाता है फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत